गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाया है, तो ये पहुंचाया गया है कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। फिर हमारा कि किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है नादौन पुलिस थाना। ठीक। फिर हमारा कि उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या है जिसके कारण न्यूजर्सी में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, इसका नाम है फे। नेक्स्ट है हमारा, क्वालकॉम वेंचर्स कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 0.15% की हिस्सेदारी के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश किया है, तो 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और सर्वाधिक निवेश किसने किया है, तो फेसबुक ने किया है 9.99% की हिस्सेदारी लेकर के। अगला हमारा, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। फिर हमारा कि कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो रशिया है दुनिया का पहला देश। अगला क्वेश्चन हमारा, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020 के दौरान बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला था, तो ची लूपे को मिला था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड। फिर हमारा, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक पैर से 101 छलांग लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, सोहम मुखर्जी, जो कि दिल्ली के हैं। ठीक है। अगला हमारा, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। फिर हमारा, सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है पहला राज्य। ठीक। अब हम लोग देखते हैं 16 जुलाई का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा कि हाल ही में सिंगापुर सियन लूंग ठीक है, लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सियांग लूंग जो कि सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और ये चौथी बार बने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। दूसरा हमारा, पोलैंड की वर्तमान राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा को आने वाले 5 साल के लिए पुनः राष्ट्रपति चुना गया, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों सही है। ओके, चलिए अब डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2006 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और तब से लगातार प्रधानमंत्री हैं सियन लूंग। इनकी पार्टी का नाम क्या है, पीपुल्स एक्शन पार्टी। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। अगला हमारा, पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आने वाले 5 साल के लिए इनको पुनः राष्ट्रपति चुन लिया गया। और पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है पोलैंड की राजधानी। नेक्स्ट हमारा, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया, तो आप सभी को पता है काफ़ी टाइम से ये चर्चा में है चाबहार रेल परियोजना, इसमें से किसको बाहर करेगा ईरान, भारत को बाहर किया है ईरान ने। ठीक है, तो यहाँ पे ईरान ने घोषणा किया है कि अब वो अकेले इस परियोजना को कंप्लीट करेगा और यह फैसला सामरिक और रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और इसमें ईरानी सरकार ने कहा है कि फैसला जो लिया है ये पैसा देने और परियोजना को शुरू करने में हो रही देरी के कारण ये फैसला लिया है ईरानी सरकार ने। इस फैसले के बाद अब ईरान इस रेलवे परियोजना पर भारत की सहायता के बिना काम शुरू करेगा, जिसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास निधि से लगभग $400 मिलियन धन जारी किया गया है। बात आती है कि इसको कब शुरू किया गया था कि देरी की वजह से भारत को निकाला जा रहा है। यहाँ पे भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जहदान तक रेल लाइन का निर्माण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। भारत को ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच त्रिपक्षीय समझौते के आवागमन और परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में चाबहार जाहेदान रेलवे लाइन के निर्माण के लिए जरूरी सेवाएं देने वाला था, जो कि अब निकलने के बाद भारत को नहीं देना है। फिर हमारा, साल 2020 का वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो के सिवान को। के सिवान कौन है, इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, जिसका गठन कब हुआ था, 1969 में। तो इनका पूरा नाम क्या है, कैलाश वडिवू सिवन।
ठीक है। इसरो बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं के सिवान, और इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। इनको मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वॉन कर्मन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें यह पुरस्कार कब मिला था, 2005 में, जबकि उनके बाद डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को 2007 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी, इसका शुरुआत हुआ था पुरस्कार का 1982 में, और यहाँ पे IAA के अध्यक्ष कौन है, वॉन कर्मन ने किया था, और इन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के संस्थापक कौन है, डॉक्टर थियोडोर वॉन कर्मन, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। फिर हमारा वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है, तो यहाँ पे अमेरिका बना है। अगर हम लोग पहले की बात करें तो भारत में पहले चीन के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन उसके बाद से चीज़ें बदल गई। और ये आंकड़ा किसने दिया है, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़ा जारी किया, जिसमें लगातार दूसरा साल है जब अमेरिका और भारत टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर बने हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया पहले स्थान किसका था, चीन का था। अभी अगर 2019-20 की बात करें तो बायलेटरल ट्रेड में 88.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ट्रेड हो गया है, जबकि 2018-19 की बात करें तो 87.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगर अमेरिका की बात करें तो उन कुछ देशों में से है अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड जिसमें हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि जितना हम निर्यात करते हैं उससे कम आयात करते हैं, जबकि जब हम चाइना के साथ करते थे ट्रेड तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हम लोग आयात ज़्यादा करते थे और निर्यात कम करते थे। ठीक है, तो उसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यहाँ पे ईयर 2019-20 में अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस कितना, ये भी देखिए लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि कितना रहा है ट्रेड सरप्लस, तो 17.42 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रहा है, जबकि इससे पहले 16.86 बिलियन डॉलर का था, मतलब पिछले साल की तुलना में ज़्यादा फायदा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा कि गूगल के सीईओ ने भारत में कितनी रकम निवेश करने का ऐलान किया है, तो 10 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है गूगल के सीईओ ने भारत में आने वाले 5 से 7 सालों में। और निवेश कितनी भाषाओं में करेंगे, सॉरी कितने क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में। एक तो भारतीय भाषा में लोगों तक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत, जैसे पंजाबी हो गया, हरियाणवी हो गया, ठीक है, तो भारतीय भाषा में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए अभी गूगल क्या करता है, हिंदी और इंग्लिश में देता है, ठीक है, और भी जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसमें देता है। उसके बाद हमारा नए प्रोडक्ट बनाने और सर्विस शुरू करने में। तीसरा है हमारा बिजनेस को डिजिटली सहयोग देने में। चौथा है हमारा हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करना। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिसमें निवेश करेगा गूगल आने वाले 5 से 7 सालों में 10 अरब डॉलर का। ठीक, इसके अलावा भी मैंने आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि गूगल ने सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया, तो गूगल करेंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई हैं गूगल के सीईओ, और मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में। ठीक है, तो अभी बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे आप करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट्स पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज एग्जाम वाइज वीडियो क्लास पढ़ सकते हैं, कोई भी टेस्ट, मतलब एक जो आप कहीं कोचिंग में जा कर के जो चीज़ें करते हैं उससे कई ज़्यादा बेस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन बैठ के आप सभी पढ़ाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जब आप ऐप को इंस्टॉल कर ले तो रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मुख्य प्रबंध कमेटी में त्रावणकोर के राजपरिवार की भूमिका को बनाए रखने का आदेश दिया। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बहुत ही फेमस है, केरल में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्टिस यू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने 13 जून को यह फैसला सुनाया कि अब यहाँ पे मतलब किसके पक्ष में, जो राजशाही परिवार है उनके अधिकारों को बरकरार रखा गया है, और ये स्थित कहाँ है, केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक,
भगवान पद्मनाभ की बात करें तो इनको विष्णु जी के नाम से जाना जाता है। इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने कराया था और ये देश के सबसे धनी मंदिरों में, ये कैसे कह सकते हैं देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, क्योंकि वर्ष 2011 में जब इसकी तिजोरियों से निकली करीब 1,00,000 करोड़ की संपत्ति के कारण ये काफ़ी चर्चा में आ गया था, ठीक है। और इसकी जो दूसरी तिजोरी है यानी कि वॉल्ट भी, इसको नहीं खोला गया क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग और पुजारी क्या मानते हैं कि ये तिजोरी शापित है, ठीक, इस वजह से। चलिए अगला हमारा इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी कैंसर नियंत्रण की तैयारी में 10 एशिया पैसिफिक देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 8वां, याद रखिएगा क्या है 8वां, कैंसर प्रिपेयरनेस इन एशिया पैसिफिक सार्वभौमिक कैंसर नियंत्रण के लिए प्रगति, हिंदी में इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और वियतनाम के सामने कैंसर की चुनौती की जटिलताओं का वर्णन करता है ये इंडेक्स, जिसमें अगर नंबर 1 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 2 पे साउथ कोरिया है और नंबर 3 पे मलेशिया है और 8वें नंबर पे भारत है। 2019 में अगर इसी रिपोर्ट की बात करें तो 28 वैश्विक देशों में भारत का स्थान कितना था, 19वां है, ठीक है। अब बात आती है जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है, EIU ने, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, इसका मुख्यालय कहाँ है तो लंदन में है और प्रबंध निदेशक कौन है, रॉबिन वेव हैं इसके प्रबंध निदेशक। अगला हमारा, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, ठीक है। तो भारत की 1975 की विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य हैं अशोक कुमार और प्रणव गांगुली जो कि फुटबॉल के हैं, और इसके अलावा मनोरंजन पोरल जो कि एथलेटिक्स हैं, इन तीनों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा जोशुआ बेतिया को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड मिलेगा जबकि सजल बैग को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का अवार्ड मिलेगा, ठीक है। मोहन बागान क्लब की बात करें तो हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा, किस राज्य ने रोको टोको अभियान की घोषणा किया है, तो मध्य प्रदेश ने किया है रोको टोको अभियान की घोषणा। इसमें करेगी क्या सरकार, मास्क बांटेगी, जो लोग सार्वजनिक स्थान पे मास्क नहीं पहनते हैं उनको मास्क पहनाने के लिए इसको शुरू किया गया है और जिला कलेक्टर द्वारा चुने गए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इसको बांटा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अभी हाल ही में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया किसने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किस गुजराती पत्रकार का निधन हो गया है, तो इनका नाम है नागीदास संघवी, याद रखिएगा क्या नाम है, नागीदास संघवी, ये गुजराती पत्रकार लेखक और राजनीतिक विश्लेषक हैं थे, सॉरी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 2019 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है। अगर हम लोग अन्य तथ्य की बात करें, चूंकि ये पत्रकार थे तो देख लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को, और इस सूचकांक में भारत 142वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।